हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 49 की। ये यूनिट 11 है, नाम है समकालीन कविता। तो आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे समकालीन कविता पर बात करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोज़ देख लें। तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट 11 का समकालीन कविता। समकालीन कविता से आशय छायावादोत्तर काल की वह कविता जो सन 1960 के बाद लिखी गई है, इसे साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। समकालीन कविता को क्या कहते हैं? साठोत्तरी कविता। डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता पर गंभीर विवेचन किया है। उन्होंने साठोत्तरी कविता को ही समकालीन कविता माना है। उन्होंने इस कविता में ऐसी विशिष्ट प्रवृत्तियों को आधार माना है जो पूर्ववर्ती कविता में उपलब्ध नहीं है। समकालीन व पूर्ववर्ती कविता में अंतर स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, समकालीन कविता में अपने समय के साथ जितनी सीधी और उग्र मुलाकात होती है उतनी पहले ही कविता में नहीं, उतनी पहले की कविता में नहीं होती थी। समकालीन कविता में सामान्य या शाश्वत तत्वों के प्रति उतना लगाव और आकर्षण नहीं है जितना पहले की कविता में है। कालांकित कविता मतलब समकालीन कविता में अजीब प्रकार का असंतोष, रोष, उत्पीड़न जन्य आक्रोश और विद्रोह है। समकालीन कविता ही समकालीन कविता है। इसमें भेदक विशेषताएं मात्रक हैं, गुणनात्मक नहीं। आचार्य शुक्ल ने इतिहास में काल विभाजन का आधार गुणात्मक रखा है, अतः व्यतीत और समकालीन लेखक के विभाजन में गुणात्मक आधार की खोज करना उपयुक्त होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन साहित्य की विशेषता को इंगित करते हुए बताया है कि समकालीन साहित्य की पहचान रचनाकार के विजन को पकड़ने की चुनौती में है। व्यतीत लेखन में रचनाकार आस्थावान होने के कारण दृष्टि विशेष से परिचालित होता था, यद्यपि दृष्टि विशेष से बंधना सृजन का अवरोधक माना जाता है, किंतु जिस साहित्य में वैयक्तिकता मुखर होती है, व्यक्ति सत्य का प्रतिपादन होता है, वहां उसकी रचना में निहित उसके विजन को पकड़ना कठिन कार्य है। छायावाद आत्माभिव्यक्ति करता था, नया कविता आत्मोन्वेषण करता है। पहले में संवेदना प्रमुख है, दूसरे में वैचारिक अनुभूति मुख्य है। नया कवि आत्माभिव्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता, वह अपनी संवेदना में किसी बड़ी संवेदना की तलाश करता है, यह तलाश ही विजन है। समकालीन रचनाकार में इस विजन को पकड़ना आलोचक के लिए चुनौती है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का मत है कि रचना के मूल में निहित सभी दृष्टियां अत्यंत एक दृष्टि में समाहित होगी। वस्तुवाद, व्यष्टिवाद, समष्टिवाद की भिन्नता भी एक तत्वीय अभिन्नता में परिणित हो जाएगी। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि स्वांतः सुखाय में ही सबका हित देखती है। व्यष्टिवाद साधना में ही समष्टिगत साधना प्रच्छन्न है। छायावादी कविता में आस्था है, अंतः दृष्टि है। समकालीन कविता बुद्धि परिचालित है, वह विश्व स्तर पर उभरते हुए चिंतन से प्रभावित है। वह अनास्था और अस्थिरता है, वहां अनास्था और अस्थिरता है। जीवन की भौतिकवादी आवश्यकताएं प्रधान हो गई है, संग्रह बुद्धि तीव्र हो गई है, व्यवसायिक वृत्ति मुख्य हो गई है, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। जो समृद्ध है समृद्धतर बन रहा है, जो दरिद्र है वह दरिद्रतर बन रहा है। स्वार्थ परकता के कारण मानवीय मूल्यों में ह्रास हो रहा है। इस युग में लिखा जाने वाला साहित्य समकालीन संज्ञा से अभिहित किया गया है। डॉक्टर देशराज उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आज के युग में प्रतिनिधि बुद्धिजीवियों को किसी धर्म या परलोक केंद्रित आध्यात्म में विश्वास नहीं रह गया है। ऐसी स्थितियों में दुनिया के विचारशील शिक्षित लोग ज्ञात अज्ञात भाव से एक नए जीवन विवेक के पाने की खटपटाहट महसूस कर रहे हैं, अतः इस युग की कविता ही समकालीन कविता है।
डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव अपने समकालीन कविता का व्याकरण में, उनकी जो रचना है समकालीन कविता के व्याकरण में, इस तथ्य का समर्थन करते हैं। वे साठोत्तरी कविता को युवा कविता और आज की कविता को समकालीन कविता कहते हैं। उनका मत है कि प्रासंगिकता और सृजनशीलता, अजीबपन, जादुई और क्रांतिकारी, यथार्थ और अयथार्थ, तत्कालीन और मिथकीय, सपाट और काव्यात्मक के तनाव में आज की कविता, समकालीन कविता हमारे समय का लक्ष्य बन गई है। समकालीन कविता भव्यता, प्रयोग, व्यक्तिगत कुंठा तथा स्वीकृति से जन्मी है। इसने अपना स्वरूप नई कविता से भिन्न स्थापित किया है, परंतु इसका ढांचा कुछ नई कविता जैसा ही बना रहा है। इस दृष्टि से कालांकित कविताओं की प्रवृत्ति को नई कविता की प्रवृत्ति का विस्तार माना जा सकता है। प्रायः नई कविता के चर्चित कवि ही समकालीन कविता में उभर कर आए हैं। समकालीन कविता मोह भंग को व्यक्त करती है जो स्वतंत्रता के बाद लोगों के हृदय में उत्पन्न हुआ था। राजनेताओं के वादे खोखले सिद्ध हुए, देश में खुशहाली का वादा झूठा निकला। इसके लिए एक पंक्ति है, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार जी का है। उसके बाद एक है धूमिल जी का, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। धूमिल समाज में शोषक शोषित पर कविता करते हुए कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी खाता है ना रोटी बेलता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है। इस पर मेरे देश की संसद मौन है। यह पंक्ति है धूमिल जी की। समकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। समकालीन कवियों में मुक्ति बोध का नाम अग्रगण्य है। उनकी कृति चांद का मुंह टेढ़ा है, अज्ञे की कृति क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सागर मुद्रा आदि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है काठ की घंटियां, गर्म हवाएं। गिरिजा कुमार माथुर जी की कृति है शिला पंख चमकीले। प्रभाकर माचवे की कृति है मेपल। जगदीश गुप्त की कृति है हिमबद्ध। लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति है अतुकांत। धर्मवीर भारती की कृति है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष। कुंवर नारायण की कृति है आत्मजयी। रामदर्श मिश्र की कृति है एक पक गई धूप। रामदर्श मिश्र की कृति पक गई धूप आदि उल्लेखनीय है। अन्य कवियों तथा रचनाओं में जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है वे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं चकित हैं, दुख और कैलाश वाजपेयी की संक्रांति, तीसरा अंधेरा श्रीकांत वर्मा की दिनारंभ, अजीत कुमार की अंकित होने दो ये फूल नहीं, इंदु जैन की 64 कविताएं, कृष्ण दत्त पालीवाल की हथेली पर लिखा अध्याय, मलयज की जख्म पर धूल, हरि नारायण की व्यास, मृग और तृष्णा, शमशेर बहादुर सिंह की कुछ और कविताएं, शंभुनाथ सिंह जी की खंडित सेतु, नरेंद्र शर्मा की बहुत रात गए, विजय देव नारायण शाही की मछली घर, बालकृष्ण राव की उर्दशति, शकुंत माथुर की अभी और कुछ, राज कमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग, अशोक वाजपेयी की शहर अब भी संभावना है आदि ये समकालीन कवि और उनकी रचनाएं हैं। समकालीन कविता को किसी काल विशेष में बांधना उचित नहीं है। प्रत्येक युग की कविता में समकालीनता के तत्व होते हैं, ये तत्व उसे नवीनता प्रदान करते हैं। समकालीनता रचनाकार की कृति को जीवंतता प्रदान करने वाली शक्ति है। देश, समाज और जीवन में घटने वाली घटनाएं समकालीनता का पोषण करती हैं। वैज्ञानिक उन्नति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित स्थितियां भी जनमानस को प्रभावित करती हैं। रचनाकार की संवेदनाएं व्यापक होती हैं और संपूर्ण विश्व उनमें समाहित होता है। इस प्रकार समकालीन कवि वह है जो अपने समय की घटनाओं, स्थितियों तथा प्रवृत्तियों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके
अपनी कृतियों में उनकी अभिव्यक्ति करता है। उसकी कविता में नवीनता का संसार, वर्तमान संदर्भों की शक्ति और भविष्य का प्रकाश होता है। ऐसी रचना कालातीत और कालजयी बनकर ऐतिहासिक महत्व को धारण करती है। इस प्रकार समकालीन साहित्यिक कृति अनुभूति की गहराई में उतरकर शाश्वतता के लक्ष्य को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। समकालीन रचनाकार विचारों को विविध स्तर पर उत्तेजित करता है। रचना एक संवेदना से मुक्त होकर भी अनेक अर्थों की व्यंजना करती है और पाठकों के हृदय के अनेक स्तरों को छूती है। समकालीन रचना में अर्थों का सगुंफन रहता है। यह कवि के आत्मसंघर्ष को प्रकाशित करती है। यह संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का संकल्प उत्पन्न करता है। कविता की श्रेष्ठता इसी में है कि वह नवीन युग के निर्माण में प्रेरक बन सके। इस यूनिट के आखिरी टॉपिक पर बात कर लेते हैं, समकालीन पत्रकारिता, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता से अभिप्राय आज के समय के साथ लिखी जा रही पत्रिकाओं से है। समकालीन साहित्यिक पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। समकालीन पत्रकारिता पत्र पत्रिका है, वर्तमान संपादक कौन है, प्रकार स्थान बताना है। आलोचना है अरुण कमल, त्रैमासिक है दिल्ली से। तद्भव अखिलेश, त्रैमासिक है लखनऊ से। समीक्षा तत्य काम, त्रैमासिक है दिल्ली से। वागर्थ एकांत श्रीवास्तव, मासिक पत्रिका कलकत्ता से। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, मासिक पत्रिका दिल्ली से। समही भौतिक राय, त्रैमासिक पत्रिका है लखनऊ से। हंस राजेंद्र यादव, मासिक पत्रिका दिल्ली से। आजकल सोमा ओझा फरहत परवीन, मासिक पत्रिका दिल्ली से। कयादेश हरि नारायण, मासिक पत्रिका दिल्ली से। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह, मासिक पत्रिका अलीगढ़ से। नया पथ मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, त्रैमासिक पत्रिका दिल्ली से। साखी सदानंद साही, त्रैमासिक है बनारस से। पक्षधर विनोद तिवारी, अर्धवार्षिक है दिल्ली से। बयां गौरीनाथ, त्रैमासिक गाजियाबाद से। परिकथा शंकर, मासिक पत्रिका दिल्ली से। पाखी प्रेम भारद्वाज, मासिक पत्रिका दिल्ली से। शुक्रवार विष्णुनागर, पाक्षिक दिल्ली से। पहल ज्ञान रंजन और राजकुमार केसरवानी, त्रैमासिक पत्रिका गाजियाबाद से। वसुधा स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा, त्रैमासिक पत्रिका भोपाल से। कथा क्रम शैलेंद्र सागर, त्रैमासिक पत्रिका भोपाल से। स्वेद किशन कालजई, मुंगेर। समकालीन सरोकार सुभाष राय। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर से। वाक सुधीश पचौरी, त्रैमासिक पत्रिका है। तो यह थी आज हमने समकालीन कविताएं के बारे में देखा, उनके कवि और रचनाएं देखी, और उसके बाद हमने देखा समकालीन साहित्यिक पत्रिका के बारे में, पत्रकारिता और उनके जो संपादक थे और किस प्रकार की पत्रिका थी, स्थान कहाँ से था, ये सारी चीज़ें देखें। तो ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर अगली जो वीडियो हम लेकर आएंगे अपनी क्लास 50, उसमें हम अगली यूनिट को लेकर आएंगे, यूनिट 12। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।